देखिए अब तो लालू जी आएंगे और उसका नीतीश जी जाएंगे। साई हॉस्पिटल हर महीने की 1 तारीख से 5 तारीख तक दिल्ली के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों के द्वारा सभी प्रकार के छोटे एवं बड़े ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। तेज प्रताप यादव ने लालू यादव की सजा पर कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, लालू यादव जल्द ही बाहर आएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अंदर जाएंगे। साथ ही जिस तरीके से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लालू यादव की सजा पर बयान दिया था, उस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि सुशील मोदी पहले खुद जवाब दे कि चर्च का जमीन हड़प कर जो मॉल बना है वो कहाँ से बना है, इस पर जांच होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव कुछ दिनों के बाद न्याय यात्रा निकालने वाले हैं, जिसमें तमाम राजद के कार्यकर्ता और छात्र जनशक्ति परिषद के लोग शामिल होंगे। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले पर तेज प्रताप यादव क्या कुछ कह रहे हैं। सुशील मोदी जी वो तो खुद चर्च का जमीन हड़प कर मॉल बना रहे हैं, वो भी घोटाला किए हैं चर्च का जमीन पर। तो चर्च का जमीन पर जब मॉल बना रहे हैं वो कहाँ है, वो बोला सुशील मोदी जो कर रहे हैं, जो चर्च का जो जमीन है उसको हड़प के वो अपना बेटा को दिए उत्कर्ष मोदी को मॉल बनाने के लिए। वो तो गरीब गुरबा का पैसा है, जनता का पैसा है, सब लोग घोटाला करके भाग गया, सब नीतीश कुमार मर्डर करके बैठे हुए हैं, हत्या करके नीतीश कुमार बैठे हैं। पटियाला कोर्ट से उनको हुआ था, सीताराम सिंह जी का हत्या हुआ था बाढ़ में, तो हत्यारा मुख्यमंत्री देश चलाएगा, बिहार चलाएगा हत्यारा बैठ के, हैं हत्यारा जो है वो बिहार चलाएगा, हैं जो निर्दोष आदमी वो जेल जाएगा। तो हम केंद्र सरकार से भी मांग करते हैं और हम न्याय यात्रा निकालने का काम करेंगे। हमने अपने कल जनशक्ति परिषद के तमाम लड़कों के साथ और छात्र राजद के लड़के भी इकट्ठा हुए थे, तमाम सब लोग जुट करके हम लोग न्याय यात्रा निकालने का काम करेंगे, न्याय का मांग करेंगे हम, और कोर्ट पर हमको पूरा भरोसा है। देखिए अब तो लालू जी आएंगे और उसका नीतीश जी जाएंगे। सिंह चौधरी हेल्थ केयर सुपौल, हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी एवं सभी प्रकार का सफल इलाज व ऑपरेशन किया जाता है, साथ ही प्रत्येक सोमवार को निशुल्क परामर्श दिया जाता है। संपर्क करें SN चौधरी हेल्थ केयर, नगर परिषद सुपौल, सुधा डेयरी के सामने, मोबाइल नंबर 8810219719 और 9430280177, न्यू ब्रांच ATM चौक भीमनगर सुपौल।